पेपर और कैनवास पर तो आपने पेंटिंग्स बनाते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन कभी आपने पेड़ के पत्तों पर पेंटिंग्स बनी हुई देखी है? अगर नहीं देखी तो आज हम आपको बीकानेर के ऐसे युवा कलाकार से रूबरू करवाते हैं जो पीपल के पत्तों पर हूबहू इंसान की तस्वीर भी बना देते हैं। यह कलाकार लीफ पेंटिंग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं। कलाकार केशव जोशी ने बताया कि यह पेंटिंग्स पीपल के पत्तों पर की गई है। एक दिन जब वे पीपल के पत्तों को देख रहे थे तो कई पत्ते वे एकदम खराब हो गए और सड़ भी गए थे। ऐसे में उन्होंने पीपल के पत्तों को इकट्ठा करके अपने घर ले आए और इन पत्तों को पानी में डालकर भिगो कर रख दिया। फिर वह पीपल के पत्ते को कई दिनों तक भीगने के बाद यह पीपल के पत्ते जाली नुमा यानी नेट की तरह हो जाते हैं। इसके बाद वे इन पत्तों पर एक्रेटिक कलर से पेंटिंग कर रहे हैं। इन पीपल के पत्तों पर भगवान के कई स्वरूप भी दर्शाए गए हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट भी बनाए गए हैं। वे बताते हैं कि वे पिछले 5 सालों से पीपल के पत्तों पर पेंटिंग्स कर रहे हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने किसी भी जगह पर इस पीपल के पत्तों पर पेंटिंग करने की ट्रेनिंग नहीं ली है और वे स्वयं ही पेंटिंग कर रहे हैं। इन पेंटिंग करने में वे 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। ऐसे में यह पीपल के पत्तों पर पेंटिंग्स करने का उनका आइडिया वे खुद ही कर रहे हैं। ऐसे में वे अब इन पीपल के पत्तों पर और भी कई कई डिजाइन की पेंटिंग्स कर रहे हैं। उन सड़े हुए पत्तों को लेकर हमने पानी में एक इकट्ठा करके उनको 2-3 महीनों तक भिजाते हैं, धोकर रखते हैं। उसके बाद ये जो नेट की तरह हो जाते हैं, उस नेट पर हम एक्रेलिक कलर से इनकी पेंटिंग की दर्शाई करते हैं। इसमें अलग अलग भगवान के दृश्य दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छीणा जी का दृश्य है और अपने तुलसी माला का दृश्य है और अलग अलग टाइप के अलग अलग भगवान के स्वरूपों को दर्शाया गया। कितने सालों से बना रहे हैं आप इस पेंटिंग को? लंबे बना रहे हैं, 5 साल हो चुका है। कहीं सीखा आपने? नहीं, सीखा नहीं है। यहाँ एक प्रैक्टिस के तौर पर हमें आया हुआ है, एक सोच की तरह आया हुआ है कि हम एक पीपल के पत्ते को लेकर ट्राई करते हैं। अच्छा, और ये आपने अब तक क्या क्या चीज़ें बना चुकी हैं पीपल के पत्तों? पत्तों पर हमने बहुत से आर्ट बना चुके हैं। पोर्ट्रेट हो गए, भगवान के हो गए, जैसे तुलसी माला हो गए, शंख हो गए, अलग प्रकार के सब तरीके के हमने ट्राई कर चुके हैं।